हेलो स्टूडेंट, प्रोग्रेस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं विकास राजू आज आपके लिए लेकर के आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो आपको आज मैं इसके लिए बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ पर करना पड़ता है और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी और किन किन चीज़ों में इसकी जरूरत पड़ी और किस प्रकार से इसकी जरूरत को आप फुलफिल कर सकते हैं। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का जो नाम है इसी में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जिस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री मीन्स होता है थ्री, ज्योमेट्री मीन्स तीन चीजों की जो ज्योमेट्री होती है वो क्या कहलाती है, ट्रिग्नोमेट्री। अब तीन चीजों से मिलकर के बना क्या होता है, ट्रायंगल। अब ट्रायंगल कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल। बेसिकली आपके नॉर्मल एंगल के हिसाब से डिसाइड किए जाए तो थ्री टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपके पास एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल मीन्स जिसके तीनों एंगल्स लेस देन 90 होते हैं। सेकंड होता है आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स वन एंगल इज 90 डिग्री। इसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मींस एग्जैक्टली वन एंगल, एग्जैक्टली वन एंगल। जो आपका वन एंगल होगा वो आपका क्या होगा, एग्जैक्टली 90 का होगा। ओके, तो जो आपका वन एंगल होगा वो एग्जैक्टली 90 का होगा। तो आपको इसमें स्टडी करनी है वो किस चीज की करनी है, राइट एंगल ट्रायंगल की करनी है। जो मैंने इसको ऑलरेडी आपका ड्रॉ कर रखा है कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल मींस वन एंगल क्या होगा, 90। कभी भी आपको ये स्क्वायर से देखिए किसी ट्रायंगल में तो आप समझ जाएंगे कि जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री। अब बात आती है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है इसमें साइड्स को क्या नाम दिया जाता है। तो जो 90 डिग्री के जस्ट सामने का साइड होता है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। एंड जो एंगल होता है जिस एंगल की आप बात करते हैं, सपोज इस एंगल की बात करते हैं तो उसके जस्ट अपोजिट जो साइड होगी वो क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। मींस 90 के जस्ट सामने का क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। एंगल के जस्ट सामने का क्या हो गया, परपेंडिकुलर। अब रिमेनिंग जो साइड होगी वो क्या कहलाएगी, बेस। अब आप कहेंगे सर परपेंडिकुलर तो वन की जी होता है, बेस ये होता है, वो जो नीचे है तो ये बेस हुआ, जो आपकी लाइन खड़ी है तो वो परपेंडिकुलर होगा हाइपोटेन्यूज लाइन के सामने का। बट ऐसा नहीं, जो आपका परपेंडिकुलर और बेस होते हैं ये हमेशा आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। किस प्रकार से, बिकॉज ये डिपेंड करते हैं आपकी एंगल के ऊपर कि आप किस एंगल की बात कर रहे हैं। अगर समझे आप किस एंगल की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर कंसीडर किया जाएगा, बेस कंसीडर किया जाएगा। और अगर मैं यहीं पर कंसीडर कर लूँ कि एंगल है सपोज अल्फा, क्या है अल्फा, और अगर मैं इस एंगल की बात करूँगा तो फिर अल्फा के लिए, इसके लिए अल्फा के लिए ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा, नहीं आएगा बेस। तो यहां से आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो 90 के जस्ट सामने की साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। एंगल के जस्ट सामने का क्या होगा, परपेंडिकुलर। और जो रिमेनिंग राइट साइड होगा किसी राइट एंगल ट्रायंगल का वो क्या कहलाएगा, बेस। ओके, ये तो आपका साइड के बारे में जानकारी था कि परपेंडिकुलर है या उसका बेस क्या होता है, बेस क्या होता है। अब इसके बाद आता है कि ट्रिग्नोमेट्री का क्या क्या पढ़ना है और क्यों पढ़े। तो इनके आपस में रिलेशंस बनाए जाते हैं कि जैसे आपका बेस है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज एंड बेस है, इनके बीच में कुछ रिलेशंस क्रिएट किए जाते हैं। इन रिलेशंस के लिए ही कुछ फंक्शंस डेवलप किए गए हैं जिनको नाम दिया गया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या नाम दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते क्या है, उनमें कुछ आपके ये सामने कुछ क्या सारे आपके सामने लिखे हुए हैं। फर्स्ट इज साइन, एस आई एन, बट साइन को हम कॉल क्या करते हैं, एक लिखा व्यक्ति में क्या साइन, बट इसको क्या बोलते हैं, सिन, बट नॉर्मल लेवल पे इसे साइन ही बोला जाएगा। दूसरा आता है कोसाइन, कोसाइन का सिंबल क्या होता है, सी ओ एस, कॉस। इसके बाद आता है टेंजेंट, टेंजेंट मतलब टेन, टेंजेंट को सिंबल क्या बोलेंगे, टेन। इसके बाद आता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट को क्या कॉल करते हैं, कॉल करते हैं सीकेंट, सीकेंट को क्या बोला जाएगा, साइन। और कोसीकेंट को क्या बोला जाएगा, कॉस। तो इस प्रकार से आपके पास छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आते हैं। अब इन छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए तो इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे और किस किस चीज़ें यूज होंगी, तो उसके लिए आपको इस सिंबल से लिखा हुआ है पी बी पी अपॉन एच एच बी। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका जो नाम है ना ये एकदम मजेदार है। ओके, जैसे ये मजेदार नाम क्या है, इसको दो अलग अलग जगह अलग अलग लोग नाम से जानते हैं। फर्स्ट चीज कुछ लोग बोलते हैं इसको पाकिस्तान भूखा प्यासा, पीपुर पाकिस्तान, पीपुर भूखा, पीपुर प्यासा मीन्स पाकिस्तान भूखा प्यासा। सेकेंड हिंदुस्तान हरा भारत, इसमें क्या थोड़ा सा फीलिंग दिया जाता है, बिकॉज पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भारत, एक ही तरीका। सेकेंड तरीका क्या हो सकता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोली, इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं हम लोग, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोली, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भारत, जिसमें
पी को अपने को तो याद करने का तरीका याद करने का, यहाँ पर अगर इसमें यूज करेंगे तो जो पी है वो पी स्टैक फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस एंड एच फॉर हाइपोटेन्यूज। ओके, तो जो आपके सिंबल से पी का मतलब यहाँ पर परपेंडिकुलर, बी का मतलब है बेस, एच का मतलब क्या है हाइपोटेन्यूज, जिसके बारे में आपको बताया कि परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। 90 का जस्ट जो सामने का साइड होगा हाइपोटेन्यूज होगा, एंगल के जस्ट सामने का परपेंडिकुलर होगा, जो रिमेनिंग साइड क्या होगा बेस। तो इसकी मदद से अगर आप इनकी वैल्यू निकालना चाहें कि साइन क्या होगा, कॉस क्या होगा, टेन क्या होगा, कॉट क्या होगा, सेक क्या होगा, कॉस क्या होगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग वैल्यू निकालेंगे किसका, साइन थीटा। थीटा क्या है, तो एंगल ये वाला है, जो साइन थीटा होता है वो पहला वाला टर्म होता है, पी अपॉन एच, क्या होता है पी अपॉन एच, मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी प्रकार से दूसरा क्या आता है आपका, कॉस थीटा आता है, क्या आता है कॉस थीटा, जो कॉस होता है वो होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसके बाद आता है थर्ड इंच टेन थीटा, क्या आता है टेन थीटा, जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपने तीनों का वैल्यू लिखा, मैंने साइन का लिखा, मैंने कॉस का लिखा, टेन का लिखा। अब इस दुनिया में अगर कोई चीज आई है तो उसका उल्टा जरूर आएगा, क्योंकि दुनिया का तो रूल है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, मेल है तो फीमेल है, अच्छाई है तो बुराई है। इसीलिए साइन आया तो इसका रेसिप्रोकल भी आएगा, तो जो साइन है, साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है कॉसेक, क्या होता है कॉसेक, तो इसको कॉसेक लिखा है, जस्ट इसका उल्टा एच अपॉन पी। इसी प्रकार से जो कॉस होता है कॉस का भी उल्टा आएगा, कॉस का जो उल्टा आएगा वो क्या आएगा सेक थीटा, इसका क्या हो जाएगा एच अपॉन पी। इसी प्रकार से टेन, तो टेन का जस्ट जो रेसिप्रोकल माना गया है वो क्या है कॉट थीटा, जो कि क्या होता है बी अपॉन पी। तो यहाँ से आपको सिर्फ समझ में आया कि जो साइन होता है वो पी और एच का रेशियो होता है, बीच परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज का, जो कॉस होता है वो बी एंड एच का रेशियो होता है, जो आपका टेन होता है वो पी एंड बी का रेशियो होता है। और जो आपके रेशियो जिनके जस्ट जो रेसिप्रोकल्स होते हैं, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट। और यहाँ पर आपको एक चीज और समझ में आएगी कि जो आपका एक टेन है, आप देखें तो कि अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं तो ये मिल जाएगा, यहाँ से आपको रिलेशन भी मिल गया कि एक्चुअली में जो टेन होता है क्या होता है, तो टेन थीटा की वैल्यू होती है वो एक्चुअली में होता है साइन अपॉन कॉस, मींस जो टेन थीटा होता है साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो होता है। इसी प्रकार से अगर कॉट की बात करें तो जो कॉट थीटा होगा वो क्या हो जाएगा कॉट किसका रेसिप्रोकल है जस्ट टेन का, मींस जो कॉट होता है वो वन अपॉन टेन थीटा होता है। और यहाँ से अगर आप कॉट की वैल्यू कॉस और साइन के फॉर्म में ले लेंगे तो ये आपको मिल के आएगा कॉस थीटा अपॉन साइन। ओके, तो ये आपका कॉट हो गया, ये आपका टेन हो गया, इसको मैं साइड में सेट कर देता हूँ ए। तो ये आपको यहाँ पर पूरी चीजें तैयार होकर के आगे ये कि आपका टेन एक्चुअली में क्या होता है साइन और कॉस का रेशियो होता है, जो कॉट होता है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है, और टेन का वैल्यू अगर टेन का रेसिप्रोकल कर दिया तो यहाँ से क्या पढ़ेंगे साइन का फॉर्मूला सीखा, कॉस का सीखा, टेन का सीखा। इसके बाद ये सीखे कि दुनिया में अगर ये चीज आई है तो एक उल्टा भी होगा, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है आपका कॉसेक, जो इसका फॉर्मूला जस्ट अपोजिट हो जाएगा, कॉस का क्या होता है सेक, टेन का क्या होता है कॉट, और पी अपॉन एच का तो इधर क्या हो गया एच अपॉन। तो यहाँ पे बेसिक रिलेशंस थे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं अगर उनको सही के फॉर्म में लिखना है तो किस प्रकार से लिखा जाएगा, किस प्रकार से याद किया जाएगा। तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सी चीज याद रखनी है, पाकिस्तान का पैसा हिंदुस्तान हरा भरा, ये स्टेटमेंट अगर आपको याद होगी तो सिंपल, ये तो बहुत आसान है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस। अगर आपको ये दो याद हो जाती है तो तीन ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, देखो साइन क्या है बी अपॉन एच और कॉस क्या है बी अपॉन एच, साइन को कॉस से डिवाइड कर देंगे तो टेन आ जाएगा, टेन का रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉट आ जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉसेक आ जाएगा, एंड अगर इसका टेन का किया तो कॉट आ गया, कॉस का सेक आ गया, अगर सेक का रेसिप्रोकल बोला जाए तो कॉस का रेसिप्रोकल किसका कॉस का सेक है तो सेक का क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है। तो ये थे आपके बेसिक रिलेशंस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और किसी ट्रायंगल के साइड्स के बीच में। अब आता है कि ये जो रिलेशन से इनके बीच में भी कोई रिलेशन जनरेट हो सकते हैं, बिल्कुल जनरेट हो सकते हैं, तो आपको उसके लिए कुछ चीजें याद रखनी है जो कि आप लोग प्रीवियस ईयर में पढ़ चुके होंगे, आप लोग 6th 7th क्लास से भी पढ़ते आए हैं क्या, इसको मैं साइड में शिफ्ट कर देता हूं। आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, क्या पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ये एक्चुअली में कब एप्लीकेबल होती है, हमेशा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस
बेस स्क्वायर होता है। आप कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल अगर ड्रॉ कराना चाह रहे हैं तो उसको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, तभी वो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब इसकी मदद से आपका यहाँ पर क्या काम बनेगा, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार जो आपके पास रिलेशन है इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर देता हूँ एंड एच स्क्वायर से दोनों साइड में डिवाइड करके देता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर बेसिकली डिवाइड बाई एच स्क्वायर बोथ साइड, मैं इसको क्या कर रहा हूँ एच स्क्वायर से बोथ साइड क्या कर रहा हूँ डिवाइड। जब मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा आपका एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, थ्री अपॉन एच होल स्क्वायर प्लस वी अपॉन एच होल स्क्वायर। अब आपने अभी पढ़ रखा है कि जो पी अपॉन एच होता है क्या होता है, पी अपॉन एच, यहाँ पर देखिए तो पी अपॉन एच किसकी वैल्यू थी, साइन की थी। तो इसकी जगह अपन लोग क्या लिख सकते हैं, वन इक्वल्स टू साइन थीटा किसी पर्टिकुलर एंगल के। इसी प्रकार से जो बी अपॉन एच होते हैं अपन लोगों ने cos थीटा क्या लिख सकते हैं, cos थीटा, तो ये cos थीटा का स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर। अब जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत होती है कि सर आपने स्क्वायर लगाया है साइन के ऊपर लगाया है, थीटा के ऊपर लगाया है, दोनों ऊपर, बट ऐसे समझिए कि घर में अगर कोई लोड आ जाता है तो बेटे पे नहीं आता, किसके आता, बाप पे। तो ये क्या आपका बाप और ये क्या है बेटा। तो ये जब फंक्शंस की बात करेंगे तो जो स्क्वायर आएगा हमेशा किसके ऊपर आएगा, साइन के ऊपर, इधर किसके ऊपर आएगा कॉस के ऊपर। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और उसका स्क्वायर करेंगे तो एंगल का स्क्वायर नहीं होगा, किसका स्क्वायर होगा उस फंक्शन का। ओके, तो यहाँ से आपको रिलेशन निकल के आ गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसके बाद अगर सेकंड रिलेशन की बात करें तो मैं यहाँ पर एक और रिलेशन आपको बना के दिखाऊंगा, तो ये तो आपका ही था। दूसरा रिलेशन में लेके चलता हूँ कि आपके पास था क्या, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी मैंने क्या किया था, यहाँ पर एच स्क्वायर से डिवाइड किया था। अब मैं थोड़ा सा अपने आपको शिफ्ट करूंगा कि अब मैं इसको एच स्क्वायर से डिवाइड न करके मैं पी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा। तो जब मैं पी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो ये क्या आएगा, एच स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल्स टू इक्वल्स टू ये आपका पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस ये आएगा बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ये गलती आ गई, तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब एच अपॉन पी, इसको अगर मैं कंबाइन लिखना चाहूँ तो एच अपॉन पी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वन प्लस बी अपॉन पी का होल स्क्वायर, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अब एच अपॉन पी, तो एच अपॉन पी आपका चलो दिमाग कहाँ जाना चाहिए, पी अपॉन एच क्या होता है साइन, और एच अपॉन पी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एच अपॉन पी क्या लिखा है कॉस। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि जो ये वैल्यू है एक्चुअली में ये क्या है आपके पास कोसेक, क्या है कोसेक। तो इधर लिख दिया मैंने कोसेक थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस फिर से b अपॉन t। तो देखिए b अपॉन t क्या लिखा है आपके पास, cot लिखा है, तो ये आ जाएगा आपका cot थीटा का स्क्वायर। इसको अगर सिंपलीफाई करके लिखा जाए तो वही काम, स्क्वायर हमेशा फंक्शन के ऊपर आएगा, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर। तो यहां से मैं दूसरा रिलेशन निकल के आ तो आपके पास कितने रिलेशंस निकल के आ गए, एक फर्स्ट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेकंड इज कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक और रिलेशन होता है, बिकॉज़ मैंने यहां पर एच स्क्वायर से डिवाइड किया आप पी स्क्वायर से किया तो बी को पूरा लग जाएगा, पूरा जीरो नहीं लगने देना। तो मैं क्या करूंगा, एक बार अभी जब मैंने इसे डिवाइड किया तो अब मैं उसी सेम स्टेटमेंट को इसको कि आपके पास क्या है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं किससे डिवाइड करूंगा b स्क्वायर से। पहले मैंने h स्क्वायर से डिवाइड किया था b स्क्वायर से, b स्क्वायर से तो ये आएगा h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन, तो बच्चों देख b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो गया 1 आ गया। इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं h अपॉन b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू p अपॉन b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू। फिर वही काम, आपको अपने पुराने रिलेशन पे जाना है, एच अपॉन बी क्या होता है आपका सेक होता है, तो सेक थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया, पी अपॉन बी एक्चुअली का क्या होता है आपका टेन होता है, तो टेन थीटा का स्क्वायर लिख दिया, सिंपल यहाँ पे लिख दिया मैंने। ओके, तो यहाँ पर जब बात करेंगे तो ये क्या निकल गया आ गया है सेक स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो ये आपका तीसरा रिलेशन। ओके, अब तीनों रिलेशंस में आपने एक खासियत देखी है कि इसमें भी बना रहा है, इसमें भी बना रहा है, इसमें बना रहा है, बन क्या है आइडेंटिटी, क्या है
आइडेंटिटी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक रिलेशन नहीं निकला, एक रिलेशन नहीं निकला, एक रिलेशन नहीं निकला, बट तीनों में बना रहा है, तीनों में बना रहा है, मतलब इस वो जो बना रहा है उनके बीच जो रिलेशन है एटोमिक फंक्शन के बीच में, इसलिए इन तीनों को जो है रिलेशन जनरेट हुए इनको नाम दिया गया है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्या नाम दिया गया है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो कभी कोई आपसे पूछे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती क्या है, तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना, सिंपल लिख देना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कितनी बनाई हम लोगों ने? तीन। अष्टी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये फर्स्ट। सेकंड क्या बनाया आप लोगों ने? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। इसको आगे पीछे लिख लीजिए कोई अंतर नहीं पड़े, जैसे 1 को घर में जाइए तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर इसकी बात करें तो ये क्या आएगा? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। ये आपकी जो तीनों निकल के आई है ये कहलाती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके 11th में भी काम आएगी, 12th में भी काम आएगी, 10th में स्कूल में कुछ डेरिवेशंस होते हैं वो आपको करने होंगे। इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देख लिया तो आपके अगर 9th 10th में बेसिकली स्टैंडर्ड में देखा जाए तो ज्यादा ब्रीफली नहीं, सिंपल है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया गया है, उसमें आपको एक टेबल याद करनी होगी। मैं आप लोगों को टेबल याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ओके? अब टेबल याद करनी पड़ती है, टेबल में किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? कुछ टेबल में आपको ये तो पढ़ना पड़ता है कि थीटा क्या है, यहाँ पर एंगल है और एंगल किस में होता है? हमेशा डिग्री में। तो यहाँ पर मैंने एंगल ले लिया, ये लिया 0 डिग्री, एक ले लिया 30 डिग्री, एक ले लिया है 45 डिग्री, एक ले लिया है 60 डिग्री और एक क्या ले लिया है 90। बस आपको एक पांच लग गया, 0 का 30 का 45 60 का 90। अभी लर्न करना है तो किस किस चीज़ के लर्न करना है? आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए तो उसकी रिसे पर भी यूज करना है, साइन यहाँ पर मैंने कॉस ले लिया, यहाँ पर क्या ले लिया साइन के अपने बात नहीं, उसका जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉस का आ जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल कर देंगे तो साइन आ जाएगा, टेन का रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? कॉस। बट साइन की वैल्यू याद करने की एक सिंपल वे बता रहे हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। एक बार 0 लिख लिए, 1 लिख लिए, 2 लिख लिए और 3 लिख लिए और 4 लिख लिए, लेकिन एक बात, इसको 4 से डिवाइड कर दिए, इसको 4 से डिवाइड कर दिए, सबको 4 से क्या कर देना है? डिवाइड। डिवाइड करने के बाद सबका अंडर रूट ले लेना, किसका अंडर रूट, किसका अंडर रूट, किसका अंडर रूट और इसका अंडर रूट। 4 से 4 कैंसिल करेंगे 1 आएगा, 2 से कट करेंगे 2 आएगा, ये 1 आएगा, बाकी 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0। बस ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये सिंपल साइन की वैल्यू होती है। कैसे? 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा और 0 का अंडर रूट क्या होता है? 0। तो आपको पता चल गया साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। अगर 30 की बात करें तो 1, 1 का अंडर रूट क्या हो जाएगा? 1, 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा? 2। मींस sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। इसी प्रकार से ये 1 तो 1 का अंडर क्या होगा? 1, 2 का अंडर नहीं निकाल सकते इसलिए मैंने रूट 2 लिया। मींस दैट sin 45 का वैल्यू 1/2 होता है। इसके बाद आएगा 3/4, तो 3 का तो अपन निकाल ही सकते हैं, तो 3 का क्या आ जाएगा? रूट 3 और 4 का क्या हो जाएगा? 2। मींस sin 60 का वैल्यू रूट 3/2 होता है। इसी प्रकार से आप 90 डिग्री पर आएंगे तो आप देखेंगे कि sin 90 तो 4/4 1 आया, 1 का अंडर रूट क्या होता है? 1। तो sin 90 का वैल्यू, तो सिंपल है, sin 0 is 0, 30, 1/2, sin 45, 1/√2, and sin 60, √3/2, and sin 90, 1, आसान है बिल्कुल, ओके? अब आपको sin की वैल्यू याद होगी तो cos की वैल्यू दूसरी ट्रिक है, नहीं कोई दूसरी ट्रिक नहीं है, आपको इसी में जो ये चीज लिखी है इसको पलट के लिखना है। कैसे? पीछे से स्टार्ट करिए, इधर क्या लिख लीजिए 1, इधर क्या लिख लीजिए 3/√2, इधर क्या लिख लीजिए 1/√2, इधर क्या लिख लीजिए 1/2, इधर क्या लिख लीजिए 0, सिंपल है, cos की वैल्यू। साइन के वैल्यू मैंने बताया 0 लिखिए, 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4, सबको 4 से कर दीजिए डिवाइड। डिवाइड करने के बाद सबके स्क्वायर रूट ले लीजिए, जो पहले वैल्यू निकल के आएगी वो आपका साइन 0 साइन 30 45 69 की वैल्यू। अब आपने साइन निकाल लिया, कॉस निकाल लिया, टेन के लिए भी ट्रिक है? नहीं, उसके लिए भी कोई ट्रिक नहीं है। सिंपल आपको याद रखना है कि जो टेन होता है, बेसिकली मैंने आपको शायद ये बताया था कि जो टेन होता है वो कैसे निकल के आता है, टेन एक्चुअली में साइन और कॉस का रेशियो होता है। मींस अगर साइन को कॉस से डिवाइड कर दिया तो 10 के लिए कॉस से निकल आएगी, तो मुझे सब कुछ 10 का वैल्यू निकालना, तो 10 का वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूं? साइन को कॉस से डिवाइड करूं, सारी वैल्यू निकल के आएगी, ओके? तो जब आप 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0/1, तो दुनिया में 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करो हमेशा 0 होगा। इसी प्रकार से जब इसको से डिवाइड करेंगे आप, मैं यहां समझा देता हूं, 1/2 डिवाइड बाय
रूट थ्री अपॉन टू ये आपका डिवाइड का सिंबल है, और आपने पढ़ा होगा 1 अपॉन 2 डिवाइड का मल्टीपल कर देते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो कुछ से 2 कैंसिल होकर 1 / √3 आया। तो यहां पर आपको एक चीज ये हो जाएगी कि कभी भी आपको 10 का वैल्यू कैलकुलेट करना है कुछ नहीं करना है, साइन को कॉस से डिवाइड करिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाना है, क्या बचा 1 / √3, 1 / √2 को 1 / √2 से डिवाइड करेंगे सेम वैल्यू से कैंसिल हो जाएंगी, क्या बचेगा 1, इसको डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल, क्या आएगा √3 / 1, बट किसी के नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं, इक्वल 1 से डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है 1 / 0, ये अगर 0 से किसी चीज को डिवाइड करें तो क्या आएगा भाई, सर 0 क्या पता ही, 0 के बारे में तो कोई आईडिया नहीं है कि 0 है, तो 0 से जब किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है नॉट डिफाइंड, क्या आता है नॉट डिफाइंड। तो कुछ लोग इसको इस प्रकार से बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं नॉट डिफाइंड ऐसे सिंबल लगाते हैं, कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं नॉट डिफाइंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं नॉट डिफाइंड बोलते हैं, कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब जिसके बारे में कोई जानकारी ना हो, तीन नाम है ये इसका सिंबल है, ये नॉट डिफाइंड होता है। तो आपने यहाँ पर सी की टेबल बनाना है कि 0 30 45 60 90 के इस प्रकार से वैल्यू बनाते हैं। पहले हम लोगों ने साइन की वैल्यू कर सकती है, उसके लिए मैंने आपको रूल बताया, कॉस की वैल्यू कैसे करनी है पीछे से लिखना स्टार्ट कर देना, 10 की बहुत सिंपल है साइन को कॉस से डिवाइड करके जाइए आंसर आ जाएगा। अब साइन हो गया कॉस हो गया 10 बेचारे 3 बचे हैं sec cosec cot, बहुत सिंपल है cosec किसका रेसिप्रोकल साइन का, sec किसका रेसिप्रोकल cos का, सॉरी साइन का रेसिप्रोकल कॉस है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टेन का रेसिप्रोकल कॉट। तो अगर आपको कॉसेक की वैल्यू निकालनी है, कॉसेक जीरो कितना होगा तो जीरो का जस्ट उल्टा, जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा, जीरो का रेसिप्रोकल मींस टू उल्टा, तो 1 / 0 आएगा क्योंकि जीरो को जीरो पर लिख दो भी नहीं करते, बट जब उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 1 / 0, जीरो से डिवाइड करना नॉट डिफाइंड, मींस जीरो का जो रेसिप्रोकल होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, बोले तो इनफाइंड। तो कॉसेक जीरो की जब आप वैल्यू निकालना चाहेंगे, अगर आपको यहाँ कॉसेक जीरो की वैल्यू निकालना है, किसी वैल्यू निकालना है √3 / √2 1 / 2 का रेसिप्रोकल 2 और 0 का वही नॉट डिफाइंड। दैट अब आते हैं cot पर, लास्ट cot, cot किसका रेसिप्रोकल है 10 का, किसका है 10 का, तो 0 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1 / √3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का 1, √3 का 1 / √3 और इनफाइनाइट का। तो ये आपकी ये पूरी टेबल तैयार होगी sin cos tan cosec sec cot cosec sin, ओके। तो आपको अगर वैल्यू याद करनी है वो सिंपल वे है, आप 0 1 2 3 4 लिखिए, सबको फिर से डिवाइड कर दीजिए और स्क्वायर कर लीजिए, वो साइन होता है, साइन को पलट के लिख दीजिए कॉस आ जाएगा, साइन को कॉस से डिवाइड करके जाइए 10 आ जाएगा, एक रेसिप्रोकल्स होते हैं उल्टा करके वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये जो था आपका सिंपल कुछ रिलेशंस मैंने क्रिएट किए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बनाई, साइन और कॉस के रिलेशन बनाया, फिर जो आपको वैल्यू जरूरत पड़ेगी उनकी वैल्यू याद करने का एक तरीका बताया, साइन कॉस टेन क्या होता है वो बताया है। अब आता है कि मैंने बताया तो इसके ऊपर एक डिबेट सेशन में करो, तो मैं कुछ उनका भी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है आप लोग बताओ सिंपल में जैसे कैसे आपको वैल्यू निकालना है। सब कुछ मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, एक एग्जाम्पल है कि आपको वैल्यू निकालना है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन 30 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालना, ओके इस वैल्यू कैसे निकालनी है, तो आपको सीधे सीधे सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, साइन 30, साइन 30 का वैल्यू आपको टेबल से याद रखनी है 1 / 2 होगी, कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 भी क्या होता है आपके पास 1 / 2 होता है, इसका स्क्वायर कर दिया जाएगा तो टोटल का स्क्वायर बढ़ेगा, माइनस 10 30 कितना होता है 1 / √3, तो ये क्या हो जाएगा 1 / 2 प्लस 1 / 4 माइनस 1 / √3, चाहो तो एलसीएम ले लीजिए, नहीं तो इन दोनों को सिंपल आप ऐड कर सकते हैं, ऐड करेंगे तो इनका क्या आएगा 4, दिस इज 2 दिस इज 1 माइनस का 1 / √3, तो आंसर निकल के आ गया आपका 3 / 4 माइनस का 1 √3, अगर और एलसीएम लेना चाहें तो ये आ जाएगा 4 √3, सिंपल है इन दोनों का इसका एलसीएम मल्टीप्लाई तो 3 √3, 4 का एलसीएम मल्टीप्लाई तो 4, इन दोनों का आपस में, तो ये आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया इसकी वैल्यू इसके। इस टाइप से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत होती है। तो ये था आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हम कल करेंगे और उन न्यूमेरिकल्स की मदद से हम डिफरेंट
जाएगी तो प्रॉब्लम्स आगे बनेगी उनको सॉल्व करने की कोशिश। ओके थैंक यू। ओके तो ये आपका मैंने बता दिया है, अब आपको क्या करना है, अगर चीज़ें समझ में आए क्लियर है तो प्रोग्रेसिवली को लाइक करिए।